लेकिन हम करने वाले कुछ बिल्कुल ही अलग, जो नॉर्मल करते हैं हम वो नहीं करते हैं। हम जो करते हैं वो अलग करते हैं। मेहमानों का स्वागत कुछ ऐसे किया जाता है यहाँ पे। दोस्त है मेरा, उसका नाम ही लौंडा है। ले जा ले जा सोनिए, ले जा ले जा। ऐसे होता है यार, मस्ती करते रहना चाहिए। दोस्त अच्छे मिलते बहुत मुश्किल से, उनको संभाल कर रखना चाहिए। सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसी मेरी बॉन्डलेस फैमिली। सो वेलकम टू द डे 4 ऑफ अवर एक्सट्रीम ले 2023। मैंने अभी तक इसका नाम नहीं बोला था, बिकॉज अभी तक इसका नाम मैं बोलना चाहता नहीं था, बिकॉज मैं चाहता था ले पहुंचे और फिर इसका नाम ले। और कल जो हम करने वाले ना, वो और एक्सट्रीम होने वाला है। मतलब बहुत सारी चीज़ें प्लान में थी, लेकिन मैं बोल इसलिए नहीं रहा था बिकॉज इस बार का ना वेदर बहुत अनप्रडिक्टेबल है। इतना मतलब कि यही नहीं बताता कौन सा रास्ता खुला होगा, कौन सा बंद होगा। आज खुला है, कल बंद हो जाएगा, कुछ नहीं पता। सांस चढ़ जाती है बोलते बोलते हाई ऑल्टीट्यूड पे, बट वॉट एवर इट इज, लुक एट दिस व्यू। ये हमारे होटल का बैकग्राउंड है, बैक व्यू है, और वहाँ पे है हमारा रूम। अमेजिंग व्यू है, मतलब हमारे रूम से ना एरोप्लेन टेक ऑफ करते हुए यहाँ से नजर आते हैं, और मतलब ऐसा लगता है कि पहाड़ी के अंदर ही घुस जाएंगे। इतना अमेजिंग है ना यहाँ का एयरपोर्ट। और यहाँ पे एक नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिल्डिंग की, ये भी इन्हीं के होटल की बिल्डिंग है। तो होटल आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। स्टाफ इज वेरी 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 हेल्पफुल, दे आर वेरी हॉस्पिटेबल, एंड फूड इज वेरी गुड, जो कि हमें हमेशा चाहिए होता है। आज हम ले में रुके बिकॉज हमें एक दिन चाहिए था कि हम रेस्ट कर लें, गुरुद्वारा पत्थर साहिब जाएँ, और बाइक्स की जो हालत हमने करी हुई है ना, उनको ज़रा हालत को ठीक कराएं इनकी। वार्म अप डन, और अब यहाँ से निकलेंगे और कराएंगे इनकी वॉशिंग, चेन क्लीनिंग, चेन ल्यूब, और पत्थर साहिब गुरुद्वारा जाएंगे, लंगर छकेंगे बढ़िया सा, और उसके बाद गेड़ी मारेंगे ले सिटी में, और आज के दिन को इसी तरह स्पेंड करेंगे। कल निकलना हमें बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी, मतलब कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे ऐसे हम सोचते 6 बजे हैं, हमारी सोच हमेशा सही होती है, लेकिन इस बार एक क्या चीज़ है कि हम मोस्टली कर भी ले रहे हैं जो सोच रहे हैं, तो ठीक है कर ही लेंगे। सफ़ेद बादल हैं, काले नहीं है। जब तक सफ़ेद है तब तक कोई डर नहीं है, जैसे ही काले होंगे फिर होएगा पंगा। तो बहुत सारे राइडर्स यहाँ से आज निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग आज खाटडुंगला जा रहे होंगे, खाटडुंगला के बाद जा रहे होंगे पेंगोंग, और फिर कहाँ कहाँ पता नहीं। लेकिन हम करने वाले कुछ बिल्कुल ही अलग, जो नॉर्मल करते हैं हम वो नहीं करते हैं। हम जो करते हैं वो अलग करते हैं। मेहमानों का स्वागत कुछ ऐसे किया जाता है यहाँ पे। अरे वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ले इसके चिप्स के साथ हमारा स्वागत हुआ, मैं इसको खाऊंगा कैसे। क्या हमने बैंड बजाया इनका, क्या हमने बैंड बजाया या रस्ते ने बैंड बजाया, वॉट एवर इट इज, बात यह इनका बैंड बजाया। तो टाइम है इनकी बढ़िया सी टेक केयर करने का, बिकॉज आगे का ट्रिप है और भी एक्सट्रीम, तो अब देखो आगे क्या होता है। आज इनकी टेक केयर कर लेते हैं ताकि ये आगे हमारी टेक केयर करती रहें। कब से सोचा था ले 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 जा ले जा। मेरा एक दोस्त है मेरा ले आने का ना, मतलब खैर आना तो मैंने था ही, मैं उसको बोलता हूँ, दोस्त है मेरा, उसका नाम ही लौंडा है। उसने मेरे को वीडियो भेजा है, एक ऐसे कार्टून वीडियो है, एक बंदा बाइक लेता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, अरे सुनो मैंने नई बाइक ली है क्या करूँ, तो उसमें वो गाना चलना शुरू होता है, ले जा ले जा सोनिए ले जा ले जा। तो मैंने कल पहुंचते से यहाँ से उसको भेज दिया, ले जा ले ले पहुंच गया लौंडे। ऐसे होता है यार, मस्ती करते रहना चाहिए। दोस्त अच्छे मिलते बहुत मुश्किल से, उनको संभाल कर रखना चाहिए। We'll be right back.
तो देखो इनकी क्या हालत थी और अब कितनी बढ़िया लग रही है, लेकिन ये कुछ ही घंटों की मेहमान है ऐसी वाली हालत में। कल सुबह निकलेंगे तो इससे भी ज़्यादा गंदी होने वाली है, लेकिन हमें रेडिएटर क्लीन कराना बहुत ज़रूरी था। प्लीज़ इग्नोर करिएगा आवाज़ को, बिकॉज पीछे कोई काम चल रहा है और जेसीबी धड़ाधड़ पत्थर तोड़ रही है। अरे भाई ब्लॉक कर लेंगे यार एक मिनट, अरे थम जा भाई, ना थमेगा, चलो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ से निकलते हैं, अब जाते हैं पत्थर साहब गुरुद्वारा। अरे थम जा चाचा, कर लेंगे ब्लॉक, मानी ना रो। तो अभी जाते हैं और जेरी कैंस खरीदते हैं, और कहाँ जा रहे हैं इसको थोड़ी सी देर में तो कल के वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हम जा कर रहे हैं, कल सुबह ही बताऊंगा आपको। तो देखो ये है हमारी संडे राइड, छोटी है बाकियों से कंपैरेटिवली, लेकिन बहुत एक्साइटिंग है और हमारी सिटी से बाहर है। नज़ारे देखो, दिस इज माई व्यू टूडे, वॉट इज योर्स, शो मी इन द कमेंट्स। देखा कमेंट में क्या था आपका संडे का व्यू, दिस इज आवर व्यू। कितने ही सुंदर लग रहे हैं, कितने ही सुंदर लग रहे हैं पहाड़, और ना एक ना वो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट है, जो सही बात बोलूं, बंदा ले आता है, ले लद्दाख करने आता है, तो ले जब पहुंचता है तो काइंड ऑफ वो जो करने आया होता है, काइंड ऑफ वो अचीव हो गया कि आप वहाँ पहुँच गए। वो तो कल हमारा हो गया, हम दोनों ने हाथ भी मिला लिया, कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया एक दूसरे को। वी आर एक्सप्लोरर्स एंड वी विल कीप एक्सप्लोरिंग। जा आंटी जी मुड़ जाओ लेफ्ट फटाफट से, ये तो हम पहुंचने वाले पत्थर साहिब गुरुद्वारा, और वो वहां पे गुरुद्वारा साहिब है, इट इज मेंटेन्ड बाय इंडियन आर्मी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दिस इज द पार्किंग एरिया। सबसे बढ़िया चीज़ पता क्या, हवा में स्मेल किस चीज़ की है, प्रसाद की, हलवे के प्रसाद की, कड़ाह प्रसाद की। भाई साहब मेरे तो पेट में लगी भूख, भुक्कड़ तो मैं हो गई। गुरुद्वारा साहिब इटसेल्फ ही हो। देखो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे ना, इस गांव में ना, एक्चुअली बाबा जी आए थे और यहाँ पे होता था एक शैतान, वो यहाँ के लोगों को भी खा लेता था, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, वो उगने नहीं देता था, कोई काम नहीं करने देता था लोगों को, और मारता था रोज़ लोगों को और खाता था। ही वॉज़ अ मैन ईटर। तो यहाँ पे बाबा जी आए, लोगों ने बाबा जी के पास गए, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि किसी तरह से बाबा जी हमें बचाओ इससे। तो शैतान ने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, बाबा जी को ही मार देता हूँ। तो शैतान ने ऊपर से वहाँ से पत्थर फेंका और बाबा जी यहाँ समाधि लेके बैठे हुए थे, तो पत्थर ऊपर से रोल होता हुआ आया और आके पीछे बाबा जी के जैसे लगा ना, वो पत्थर मोम का हो गया, और मोम पे ना पूरे बाबा जी की पीठ के पूरे, मतलब पूरा का पूरा बॉडी का निशान पूरा छप गया, हैंस द नेम पत्थर साहिब गुरुद्वारा। तो इस तरह से उसके बाद वो शैतान ना, जब उसने ये देखा तो खूब रोया, और फिर बाबा जी ने उसकी मुक्ति कर दी थी यहाँ से। सो फाइनली लीविंग दिस होली प्लेस। वहाँ जाने का मन तो था लेकिन हिम्मत नहीं थी। तो बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ से ले ली है और अब यहाँ से चलते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू वेरी मच।
वाहेगुरु जी।